हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पिछले वीडियो में हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखे थे। आज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के फर्दर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें वन टाइम्स डिफरेंशिएशन, टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, थ्री टाइम्स डिफरेंशिएशन, वो आपको पता होना चाहिए, इसका लाप्लास पता होना चाहिए। देन आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो आज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में फर्दर जो एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है y डबल डैश। क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछेगा कि सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फाइंड करना है। क्वेश्चन है सॉल्व y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस t। कंडीशन है y जीरो इज इक्वल टू y डैश जीरो इज इक्वल टू 1। ये हमारी कंडीशन है, ओके okay? ये हमारी कंडीशन है। क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस t। चलो, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा है कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसको दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। दोनों साइड हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ओके okay, चलो इससे आगे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड ले तो ये होगा लाप्लास वाई डबल डैश, ये होगा 4 लाप्लास वाई डैश, ये होगा 3 लाप्लास वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस टी, ऐसा होगा। चलो, अब लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर वाई डबल डैश है तो एस स्क्वायर से स्टार्ट होता है, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ये फॉर्मूला हुआ वाई डबल डैश का लाप्लास। चलो, वाई डैश का क्या होगा, एस वाई बार माइनस वाई जीरो, ये हुआ वाई डैश का। चलो, वाई का क्या होगा, ओनली वाई बार, और e रेस टू माइनस टी का क्या होगा, 1 अपन s प्लस, ओके तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। दोनों साइड हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। चलो, अब इससे आगे वाला स्टेप, तो जो कंडीशन है वो हम पुट करेंगे और जो y बार है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। चलो, तो कंडीशन पुट करते हैं, एस स्क्वायर वाई बार माइनस ये 1 पुट करें तो ये s होगा, ये 1 होगा, ये होगा 4 s y बार, ये 1 है माइनस 4 होगा, प्लस 3 y बार इज इक्वल टू 1 अपन s प्लस, ऐसा होगा, क्लियर। चलो, ये जो y बार है वो कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेंगे s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 y बार, और ये जो माइनस एस माइनस वन प्लस फोर मीन्स माइनस फोर, तो माइनस फाइव माइनस एस इस तरह आएगा, तो वन अपन एस प्लस वन प्लस एस प्लस फाइव होगा, ऐसा होगा, क्लियर, ऐसा होगा, यस yes। चलो, अब क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसका दो पार्ट्स होगा, 3s प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दो पार्ट्स होगा और ये जो s प्लस वन है वो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, s इंटू एस प्लस वन, फाइव इंटू एस प्लस वन अपन एस प्लस वन, ओके okay?
चलो y बार को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊ तो y बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, एस स्क्वायर प्लस एस 5s प्लस 5, और डिनोमिनेटर में s प्लस 1, ये होगा s प्लस 1 s प्लस 3, ऐसा होगा, क्लियर। चलो अब तो अब आप देखो कि न्यूमेरेटर में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये एस स्क्वायर एस प्लस 5s 6s होगा, 5 प्लस 1 तो 6 होगा, और डिनोमिनेटर में s प्लस 1 का स्क्वायर है और एक s प्लस 3 है। चलो तो डिनोमिनेटर में s प्लस 1 रिपीट होता है और s प्लस 3 लीनियर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मैंने आपको बताया है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलो तो सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में यूज करता हो तो ऐसे लिख सकते हैं हम एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 अपन एस प्लस 1 का स्क्वायर एस प्लस 3 इज इक्वल टू ए अपन एस प्लस 1 बी अपन एस प्लस 1 का स्क्वायर एंड सी अपन एस प्लस 3, ऐसा हो ओके okay, क्योंकि s प्लस 1 का स्क्वायर 2 टाइम्स रिपीट होता है इसलिए, क्लियर। चल अब तो एलसीएम s प्लस 1 का स्क्वायर s प्लस 3 होगा, तो ये जो स्टेप है यहाँ पे लिखता हूँ s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6। चलो ये जो s प्लस 1 है तो a के साथ एक s प्लस 1 और s प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन होगा, चलो b के साथ क्या होगा s प्लस 3 ओनली और c के साथ s प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा हो, क्लियर। चलो अब इसको स्प्लिट करते सॉरी इसको मल्टीप्लीकेशन करके कोएफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6। चलो इस दोनों को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 ओके। चलो ये होगा बी एस प्लस 3 एज इट इज, चलो ये है सी एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ये हो। चलो अब ए बी और सी को ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और इसके बाद ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें पुट कर देंगे, तभी हमें y ऑफ t मिलेगा, क्लियर ओके। चलो अब ये जो a है इसको मैं अंदर ले लेता हूँ, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस 4as प्लस 3a bs प्लस 3b प्लस सी एस स्क्वायर 2cs प्लस c, ऐसा हो। चलो अब जो एस स्क्वायर वाले है इसको हम साथ में ला लेते हैं, तो a प्लस c एस स्क्वायर होगा, यस। चलो s के साथ 4a है, इसके बाद b है और इसके बाद 2c है, s, और कांस्टेंट टर्म कितना है तो 3a प्लस 3b प्लस 3c, 3a प्लस 3b प्लस c, ऐसा है। नाउ कंपेयर द कोएफिशिएंट बोथ साइड, दोनों साइड जो कोएफिशिएंट है इसको कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होगा a प्लस c इज इक्वल टू 6, a प्लस c इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि एस स्क्वायर के साथ 1 है ओके। चलो इसके आगे फॉर ए प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 6 होगा क्योंकि एस के साथ 6 है और कांस्टेंट टर्म से 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू आल्सो 6। चलो अब क्या करेंगे तो इसमें से अगर मैं c को सब्जेक्ट बनाऊं तो c इज इक्वल टू 1 माइनस a होगा, तो ये जो c है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ और यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये होगा फॉर a प्लस b, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस a पुट करूँ तो 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 6, ऐसा होगा। तो क्या मिलेगा हमें, फॉर a माइनस 2a तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन मिला। चलो यहाँ पे 1 माइनस a पुट करो तो 3a प्लस 3b प्लस 1 माइनस a, अगर यहाँ पे पुट करूं मैं तो
ये होगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। चलो अब ये दोनों इक्वेशन हमें प्रूव करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। अगर मैं दोनों का सब्सट्रैक्शन करूं तो 2b इज इक्वल टू 1 होगा, तो b इज इक्वल टू 1/2 मिलेंगे। b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/2। b इज इक्वल टू हमें मिला है 1/2। ओके चलो, b इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2 7/2, तो a इज इक्वल टू 7/4 होगा। a इज इक्वल टू 7/4, c इज इक्वल टू 1 माइनस 7/4 माइनस 3/4 होगा, c इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो a b और c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है, तो ये जो तीनों की वैल्यू है a b और c, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके ओके चलो, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो a अपन s प्लस 1 मीन्स 7/4 अपन s प्लस 1, ये जो पूरा इक्वेशन है यहां पे मैं लिखता हूं, अदरवाइज यहाँ पे नीचे ही लिखता हूं तो आपको पता चले। ओके चलो, अगर मैं इसका लाप्लास इनवर्स करूं तो ऐसे लिखेंगे हम, लाप्लास इनवर्स y बार इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स, चलो a मीन 7/4 अपन s प्लस 1, चलो b 1/2 अपन s प्लस 1 का स्क्वायर, और c माइनस 3/4 अपन s प्लस 3। ओके चल, अब इनवर्स करें अगर, तो ये 7/4 e रेस टू माइनस टी होगा, ये होगा 1/2 टी e रेस टू माइनस टी, क्योंकि s प्लस 1 का स्क्वायर है तो s प्लस 1 का e रेस टू माइनस टी, s के स्क्वायर का टी होगा, ये माइनस 3/4 e रेस टू माइनस 3t। तो हमारा फाइनल आंसर ऐसा हो सकता है, ये हमारा फाइनल आंसर है ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, 7/4 e raised to minus t 1/2 t e raised to minus t minus 3/4 e raised to minus 3t। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्वेश्चन दिया है कि y सॉल्व y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस टी। कंडीशन है y0 इज इक्वल टू माइनस वन एंड y0 इज इक्वल टू 1, ये हमारी कंडीशन है। ओके ये हमारी कंडीशन है। चलो तो सबसे पहले लाप्लास, अगर दोनों साइड लाप्लास ले तो ये 2 है, ये ओनली y है e रेस टू माइनस टी। ओके यहाँ पे हम 2 कर देंगे और यहाँ पे ओनली y का। चलो अब यहाँ से स्टेप चेंज कर देंगे क्योंकि कंडीशन अलग अलग है, तो हमारा जो y बार है जो हम सब्जेक्ट बनाते हैं वो अलग होगा हमारा, तो हमारा आंसर भी अलग आ सकता है। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले y0 इज इक्वल टू माइनस वन है तो ये होगा s स्क्वायर y बार, y0 माइनस वन है तो ये प्लस s होगा, y डैश 0 1 है। ओके 2s y बार, ये माइनस 1 है, माइनस मीन्स प्लस 2 होगा। ओके और ये y बार है इज इक्वल टू 1 अपन s प्लस 1। चलो इसमें से y बार कॉमन होगा तो होगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 y बार इज इक्वल टू 1 अपन s प्लस 1 एज इट इज। चलो ये प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो इस तरह आएगा तो माइनस 1 होगा, प्लस एस इस तरह आएगा तो माइनस एस, ऐसा होगा। क्लियर? चलो ये क्या है, तो s प्लस 1 का स्क्वायर है, ये क्या है s प्लस 1 का स्क्वायर। चलो तो s प्लस 1 का स्क्वायर, ओके ओके
वाई बार इज इक्वल टू, अगर मैं इसको एस प्लस वन एलसीएम लो तो ए एस प्लस वन होगा और ये होगा एस प्लस वन, डिनोमिनेटर में है एस प्लस वन, क्लियर। चलो अब मैं वाई बार को सब्जेक्ट बनाऊ तो क्या होगा, तो वाई बार इज इक्वल टू, चलो न्यूमिनेटर सेट कर देते हैं, वन माइनस एस माइनस वन माइनस एस स्क्वायर माइनस एस अपन एस प्लस वन का क्यूब होगा, क्योंकि ये जो एस प्लस वन है वो डिनोमिनेटर पे आएंगे। चलो अब सिंप्लीफाई कर देते हैं ऊपर, तो क्या होगा, ये होगा वन वन कैंसल आउट होगा, माइनस एस स्क्वायर माइनस टू एस, ऐसा होगा माइनस एस स्क्वायर माइनस टू एस, ओके। डिनोमिनेटर में है एस प्लस वन का क्यूब, ये हमारा डिनोमिनेटर में है एस प्लस वन का क्यूब। चलो अब फिर से तीन बार रिपीट हो रहा है एस प्लस वन का क्यूब, ओके। तो चलो देखते हैं, तीन बार रिपीट हो रहा है, अगर तीन बार रिपीट हो रहा है तो ए अपन एस प्लस वन, बी अपन एस प्लस वन का स्क्वायर, सी अपन एस प्लस वन का क्यूब, ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ओके। चलो तो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन लू तो y बार इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर माइनस टू एस अपन एस प्लस वन का क्यूब, ओके। चलो तो ये होगा a अपन एस प्लस वन, b अपन एस प्लस वन का स्क्वायर एंड c अपन एस प्लस वन का क्यूब, ऐसा होगा, क्लियर। चलो तो सबसे पहले अगर मैं एलसीएम लू तो ये होगा माइनस एस स्क्वायर माइनस टू एस, ए के साथ होगा एस प्लस वन का स्क्वायर, बी के साथ होगा एस प्लस वन और सी एज इट इज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एस प्लस वन का क्यूब है इसमें, ओके। सी के पास ऑलरेडी एस प्लस वन का क्यूब है, एज इट इज होगा, ओके। चलो अब मैं एलसीएम लो, सॉरी इसको स्प्लिट करूं तो माइनस एस स्क्वायर माइनस टू एस इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस टू ए एस प्लस ए बी एस प्लस बी प्लस सी, ऐसा होगा। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, एस प्लस वन का स्क्वायर मीन्स एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन, इसमें ए को मल्टीप्लीकेशन कर दिया और इसके बाद बी एस प्लस बी और लास्ट में ओनली सी बचा है। चलो अब इसके आगे वाला स्टेप, तो जो एस स्क्वायर है इसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे हम, तो एस स्क्वायर के साथ ए है, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर के साथ माइनस वन है, डायरेक्टली कंपेयर हो गए। चलो ये टू ए प्लस बी के साथ ए है, अगर आप इसको ऐसे लिखो टू ए प्लस बी एस, ये है बी प्लस सी प्लस ए, ए प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट। अगर मैं कंपेयर करूं तो ए इज इक्वल टू माइनस वन, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे पुट करूं तो माइनस टू होगा ए, तो बी इज इक्वल टू जीरो होगा और बी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट करूं ए इज इक्वल टू माइनस वन तो सी इज इक्वल टू वन होगा। तो हमारा ए बी सी का आंसर है ए इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू प्लस वन, ओके। चलो अगर ये जो इक्वेशन वन है अगर मैं इसमें पुट करूं तो लाप्लास इनवर्स वाई बार इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स, चलो ए की वैल्यू है माइनस वन अपन एस प्लस वन, चलो बी की वैल्यू जीरो है तो टोटली टर्म जीरो कर देंगे और सी की वैल्यू वन है वन अपन एस प्लस वन का क्यूब। चलो इसका होगा माइनस वन ई एस टू माइनस टी, चलो इसका ई एस टू माइनस टी होगा और वन अपन एस क्यूब क्या क्या करते हैं हम, टी एस टू थ्री माइनस वन अपन थ्री माइनस वन फैक्टोरियल मीन्स टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ओके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ई एस टू माइनस टी टी स्क्वायर ई एस टू माइनस टी बाय टू, अगर इसमें से e रेस टू माइनस टी आपको कॉमन लेना है तो अभी आप ले सकते हो,
ए होगा माइनस वन प्लस टी स्क्वायर बाय वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, इतना आंसर होना चाहिए. ओके, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी माइनस वन टी स्क्वायर बाय टू. क्लियर? ओके, चलो. तो दोनों एग्जाम्पल सिमिलर था. यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा y डबल डैश माइनस टू वाई डैश इज इक्वल टू ई रेस टू टी साइन टी. y डबल डैश माइनस टू वाई डैश इज इक्वल टू ई रेस टू टी साइन टी. y जीरो y डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो. दोनों कंडीशन आपको जीरो दी है. y जीरो भी जीरो है, y डैश जीरो इज ऑल्सो जीरो. ओके, और क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस टू वाई डैश इज इक्वल टू ई रेस टू टी साइन टी. चलो, तो सबसे पहले अगर मैं लाप्लास लू दोनों साइड, तो ये होगा लाप्लास वाई डबल डैश माइनस टू लाप्लास ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई रेस टू टी साइन टी. ओके, चलो लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश तो एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे. यस, चलो ये होगा एस वाई बार माइनस वाई जीरो, और ई रेस टू टी साइन टी का क्या है, वन अपन एस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ऐसा होगा. ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से मैंने सॉल्व किया. साइन टी का क्या होता है, वन अपन एस स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और अगर ई रेस टू टी है तो फर्स्ट शिफ्टिंग इंक्लूड होगा. ओके, चलो आगे देखते हैं. अगर मैं इस कंडीशन को पुट करूं तो ये होगा एस स्क्वायर वाई बार माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस टू एस वाई बार, ये जीरो हो जाए क्योंकि ये जीरो है. चलो इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो क्या लिख सकता हूं, एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू, ऐसा लिख सकता हूं. चलो इसमें से y बार को निकालो तो ये होगा एस स्क्वायर माइनस टू एस, ऐसा होगा. इज इक्वल टू यहाँ पे है वन अपन एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू. चलो एस स्क्वायर माइनस टू एस अगर डिनोमिनेटर में लू तो वन अपन एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू, और ये है एस स्क्वायर माइनस टू एस, ऐसा है. चलो अब आप सोचेंगे कि अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें कि कौन सी मेथड से हम सॉल्व करें. तो आप सोचो कि अगर मैं दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दूं, अगर मैं दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दूं तो हमारे पास प्लस टू बचेगा, प्लस टू. ओके, चलो अगर हमारे पास प्लस टू बचता है तो हम दोनों का सब्सट्रैक्शन करें अगर न्यूमेरेटर में एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू माइनस एस स्क्वायर माइनस टू एस. अगर मैं न्यूमेरेटर में ऐसा लिखे तो प्लस टू हमारे पास बचेगा, लेकिन हमारे पास वन है तो हम आगे क्या कर देते हैं, वन बाय टू. तो लाप्लास इनवर्स वाई बार इज इक्वल टू वन बाय टू लाप्लास इनवर्स एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू माइनस एस स्क्वायर माइनस टू एस अपन एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू एस स्क्वायर माइनस टू एस. ओके, ये इसका आंसर टू है इसलिए आगे टू से डिवाइड किया. अब स्प्लिट करके दोनों को अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट होगा हमारा लाप्लास इनवर्स, ये कैंसल आउट होगा तो ये होगा वन अपन एस स्क्वायर माइनस टू एस, ऐसा होगा. और अगर ये कैंसल आउट होता है तो ये होगा लाप्लास इनवर्स वन अपन एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस टू. और इसका लाप्लास इनवर्स तो है हमारे पास, अभी मैंने सॉल्व किया, इसका लाप्लास ये हुआ तो इसका इनवर्स क्या होगा, ई रेस टू टी
साइन की, तो ये तो हमारे पास है, हमें सॉल्व करना है वन अपन एस स्क्वायर माइनस टू एस। ओके चलो, तो वन अपन एस स्क्वायर माइनस टू एस सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वन अपन एस स्क्वायर माइनस टू एस है, तो इसमें से अगर मैं एस कॉमन लू तो ये होगा एस माइनस टू। अगर ए बाय एस एंड बी अपन एस माइनस टू फ्रैक्शन कर लू तो इसका इनवर्स अगर फाइंड करना है तो वन एस माइनस टू बी एस ऐसा होगा। चलो एस इज इक्वल टू में जीरो लो तो वन इज इक्वल टू ए माइनस टू जीरो, ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू मिलता है। अगर मैं एस इज इक्वल टू टू लू तो वन इज इक्वल टू जीरो टू बी, बी इज इक्वल टू वन बाय टू मिलता है। तो अगर मैं इसका इनवर्स करूं, लाप्लास इनवर्स वन अपन एस स्क्वायर माइनस टू एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स माइनस वन बाय टू बाय एस प्लस वन बाय टू अपन एस माइनस टू, तो क्या होता है इनवर्स माइनस वन बाय टू इंटू वन प्लस वन बाय टू ई रेस टू टू टी। इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो वन बाय टू ई रेस टू माइनस टू टी माइनस वन। ये किसका इनवर्स हुआ, वन अपन एस स्क्वायर माइनस टू एस का। इसका तो डायरेक्टली इनवर्स है हमारे पास e रेस टू टी साइन टी, इसका लाप्लास ये हुआ था तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा e रेस टू टी साइन टी। तो इसका अगर मुझे फाइनल आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चलो तो लिखता हूं वन बाय टू एज इट इज। चलो इसका इनवर्स मैंने क्या फाइंड किया ये, तो लिख देता हूं वन बाय टू e रेस टू माइनस टू टी माइनस वन। ओके चलो इसका इनवर्स हमारे पास है ऑलरेडी, यस e रेस टू टी साइन। चलो ये जो 1 बाय 2 अंदर मल्टीप्लीकेशन करो तो ये 1 बाय 4 होगा e रेस टू माइनस टू टी माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 e रेस टू टी साइन। अगर मैं 4 एलसीएम लू तो इसके साथ 2 मल्टीप्लीकेशन होगा तो e रेस टू माइनस टू टी माइनस 1 माइनस 2 e रेस टू टी साइन। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा e रेस टू माइनस टू टी माइनस वन माइनस टू e रेस टू टी साइन टी। ओके तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली सॉल्व हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन सिवा कोई भी मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना जरूरी नहीं है। ओके क्लियर। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e रेस टू t। y 0 इज इक्वल टू 1 y डैश 0 इज इक्वल टू 0। चलो ये हमारा क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e रेस टू t, y 0 इज इक्वल टू 1 y डैश 0 इज इक्वल टू 0। चलो तो सबसे पहले हम लाप्लास लेंगे दोनों साइड, तो ये होगा लाप्लास y डबल डैश, ये होगा लाप्लास y डैश, ये होगा 2 लाप्लास ऑफ y, ये होगा लाप्लास ऑफ e रेस टू t। चलो y डबल डैश का फॉर्मूला क्या है, s स्क्वायर y बार माइनस s y 0 माइनस y डैश 0, ये हमारा y डबल डैश का फॉर्मूला है। y डैश का क्या है, एस वाई बार माइनस वाई जीरो, ये हमारा वाई डैश का। चलो वाई का क्या है, टू वाई बार, इसका होगा वन अपन एस माइनस वन। चलो अब कंडीशन पुट करें तो ये होगा एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस, क्योंकि वाई जीरो बराबर वन है, वाई डैश जीरो जीरो है, ये होगा थ्री एस वाई बार, इसके बदले वन पुट करो तो माइनस थ्री होगा, ये होगा टू वाई बार, ये है वन अपन एस माइनस। चलो ये जो माइनस एस माइनस थ्री इस तरफ जाएंगे और वाई बार कॉमन लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू ऐसा होगा वाई बार, ये होगा वन अपन एस प्लस वन प्लस एस प्लस थ्री ऐसा होगा। चलो इसका दो पार्ट्स होगा एस प्लस वन और एस प्लस टू ऐसा होगा इसका। चलो
यहाँ पे s प्लस वन हम एलसीएम ले अगर, तो s इंटू एस प्लस वन थ्री इंटू एस प्लस वन ऐसा लिख सकता हूँ। यस yes. चलो y बार को सब्जेक्ट बनाओ, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ एस स्क्वायर प्लस एस थ्री एस प्लस थ्री होगा, और s प्लस वन ये जो s प्लस वन है वो डिनोमिनेटर में आएगा और s प्लस टू होगा। यस yes. चलो अगर सिंप्लीफाई करूँ तो एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर ऐसा होगा, एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर ये होगा एस प्लस वन का स्क्वायर एस प्लस टू ऐसा होगा। क्लियर? चलो अब आप देखो एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर होता है तो डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमिरेटर है वो एस प्लस टू का स्क्वायर बनता है। आप देखो अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करो अगर इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे एस प्लस टू का स्क्वायर लिख सकते हो यस, और ये है एस प्लस वन का स्क्वायर इंटू एस प्लस टू। तो देखो ये जो एक एस प्लस टू है वो कैंसल आउट होगा, तो हमारे पास y बार क्या बचेगा, तो हमारे पास होगा s प्लस टू अपन s प्लस वन का स्क्वायर, बस ऐसा हमारे पास y बार होगा। चलो तो अगर मैं इसका इनवर्स करूं तो लाप्लास इनवर्स y बार इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स s अपन s प्लस वन का स्क्वायर, स्प्लिट कर देता हूं टू अपन s प्लस वन का स्क्वायर। चलो इसका तो इन्वर्स होगा लेकिन इसका नहीं होगा। अब न्यूमेरेटर में s प्लस वन आपको अरेंज करना पड़ेगा, s प्लस वन माइनस वन कर देते हैं और स्प्लिट कर देंगे तभी इसको अरेंज कर सकते हैं। ये तो डायरेक्टली हो गया टू टी इज टू माइनस टी, क्योंकि एस स्क्वायर का टी होगा s प्लस वन का इज टू माइनस टी होगा। चलो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो एस प्लस वन अपन एस प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपन एस प्लस वन का स्क्वायर ये है टू टी ई रेस टू माइनस टी। तो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एस प्लस वन कैंसल आउट होगा तो ई रेस टू माइनस टी होगा, ये होगा ई रेस टू माइनस टी इंटू टी, ये है टू टी ई रेस टू माइनस टी। चलो अगर टू में से वन जाए तो वन मिलेगा तो प्लस टी ई रेस टू माइनस टी, ओके ई रेस टू माइनस टी कॉमन होगा वन प्लस टी, तो वाई ऑफ टी का हमारा आंसर होगा माइनस टी ब्रैकेट में वन प्लस टी। ओके चलो तो ऐसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो एग्जांपल है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के रिलेटेड सेकंड वीडियो था। जो भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है रिलेटेड टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके तब तक टेक केयर, गुड बाय टू एवरीवन।